ऑनलाइन अर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद चौधरी और आज हम बात करेंगे BTC के ऊपर कि कब इसको हम बाय कर सकते हैं और कब हम इसको सेल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, स्कैल्पर के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि बाय सेल करते रहें। जैसे ही वो 25,000 पे जाए सेल कर दो, और जैसे ही ये 21,000 या 18,000 पे आए बाय कर लो। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज जो आपको बताने लगा हूं, वो आपने बहुत ही गौर से सुनना है। सबसे पहले इसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इसकी BTC की सपोर्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो है $15,000। जैसे ये $15,000 पे आती है, आपने आंखें बंद करके इसको बाय कर लेना है। और ये बिल्कुल भी क्रैश नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूं, ये आपको लिख के देता हूं, ये बिल्कुल भी क्रैश नहीं हो सकती। उसकी जल्दी से कुछ एक आधी रीज़न भी बता देता हूं। देखिए, रशिया की यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, जिसकी वजह से रशिया का जो भी कैपिटल यूरोप में था, अमेरिका में था, इंग्लैंड में था, डॉलर की सूरत में, वो सारा उन्होंने जब्त कर लिया। उन्होंने मतलब के उन कंट्रीज ने उनका रशिया का पैसा जो था वो उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो रशिया जो है ये BTC की तरफ आ रहा है, वो क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर हम डॉलर की सूरत में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब ऐसे हालात होंगे जैसे जंग वाले, तो वो हमारा आगे से भी पैसा इसी तरह जब्त कर लेंगे। जब क्रिप्टो में BTC में वो उनका पैसा होगा तो वो तो कोई भी जब्त नहीं कर सकता, उसका तो कोई मालिक ही नहीं है। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी क्रैश नहीं हो सकती, यानी आप समझें 5,000-10,000 पे नहीं आ सकती। ठीक है, $15,000 जो डॉलर है इसकी मेन सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और फर्स्ट TP जो होगा, जो नेक्स्ट 2-3 मंथ में हिट करेगा, वो है 56,000, $56,000 इसका वो है TP। ठीक है, टेक प्रॉफिट आपने लेना है, मतलब कि वहाँ पर इसका फर्स्ट है। फिर ये इसने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा लो बनाना है, फिर ऊपर थोड़ा सा लो बनाना है, फिर ऊपर इसने जाना है। ठीक है, अभी ये जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, BTC अब बिल्कुल भी इसमें मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो ये इनकी सोच है। ये आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-2 महीनों में आप देखेंगे कि ये कहाँ जाती है। ठीक है, तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पर के तौर पर आप कर लें, बाय कर लें। जैसे ही आपको मैंने बताया 25,000-28,000 इसका TP होगा, फिर वहां से आपने सेल करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैंने वहां से इसको बाय करना है जहां से रिस्क जो होगा वो बहुत कम होगा, तो वो मेरे भाई है, इसको 15,000 यानी $15,000 पे आने दो। वहाँ $15,000 के ऊपर $100 हो, $200 हो, आपने इसको बाय कर लेना है, उसके बाद आपने भूल जाना है। उसके बाद देखिएगा कि ये कैसे, ये बहुत जल्दी ये ऊपर जाएगी। आपने मतलब कि फिर आपने इसको वो नहीं करना कि यार थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया अब बंद कर दो, ये ना नीचे आ जाए, नहीं।